Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and in this video we will continue our lesson number 12, the solar system. So this is your second part of this lesson and in this video we will continue our planets. Planets ke baare mein humne start kara tha last video mein jo maine aapke sath share kari thi usme humne planets mein mercury ke baare mein padh liya tha. नाउ आगे के जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. इफ अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एंड चैनल पर भी वीडियो अपलोड है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज आप तक पहुंच सके. सो हमारा जो आज का सेकेंड प्लैनेट है वो है वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं. इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये सन से दूसरे नंबर पे आता है प्लैनेट. ये इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट. ये कैसा प्लैनेट है? सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लैनेट. इट कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग मॉर्निंग या इन द और इन द इवनिंग. ये हमें स्काई में, आसमान में देखने को कई बार मिल जाता है, या तो मॉर्निंग के टाइम या तो इवनिंग के टाइम हमें वीनस देखने को मिलता है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. तो इसलिए इसे कहे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं. इट्स साइज इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो साइज है सेम है ऑलमोस्ट अर्थ के साइज के जितना है, जितना अर्थ का साइज है उतना ही. सो इट इज द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ. तो इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ का, क्योंकि अर्थ के थर्ड नंबर पे अर्थ होती है एंड सेकेंड नंबर पे दोनों साथ होते हैं एंड दोनों सिमिलर साइज के होते हैं, इसलिए इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है. इट हैज नो मून. और इस प्लैनेट पे भी कोई मून नहीं है, ना मरकरी पे था ना ही वीनस पर है. नाउ योर थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. इट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ कि थर्ड नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट इज सो फार द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट है, जिसपे इंसान जी सकता है. इट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट एज 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसका आधे से ज्यादा पार्ट ब्लू कलर का होता है. किस लिए? क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है 3/4 सर्फेस अर्थ का, तो इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. और इट हैज वन मून. अर्थ के ऊपर कितने मून है? ओनली वन, जैसा कि हमें राइट नाइट में देखने को मिलता है. कितने मून है अर्थ पे? वन. तो यहाँ पे अब हमारे डन हो गए 3 प्लैनेट्स. अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी. क्या कहते हैं? पृथ्वी. नाउ योर कम टू द फोर्थ प्लैनेट जिसका नेम है मार्स. मार्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं मंगल. क्या कहते हैं? मंगल. चौथे नंबर का प्लैनेट है. इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये चौथे नंबर का प्लैनेट है सन से दूरी पे. इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट सॉइल एंड रॉक्स. ये किससे कवर्ड है? रेड डस्ट से, सॉइल से एंड रॉक से. सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इसके ऊपर रेड डस्ट होती है, मिट्टी होती है, रॉक होती है, जिसके कारण ये रेड कलर का है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. इट हैज 2 मून. इसके कितने मून्स है इस पे? मार्स पे 2. कितने मून्स है? 2. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लैनेट जिसका नेम है जुपिटर एंड इसे हम बृहस्पति भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बृहस्पति. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. कई बार वन वाक पे क्वेश्चन आ जाता है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम का, तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर. जुपिटर क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट. इट स्पिन्स वेरी फास्ट. ये सबसे फास्ट स्पिन करता है. इट्स वेट इज मोर देन 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो वेट है 318 गुना है अर्थ के वेट से. इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स. इसके ऊपर कई सारे मून्स है. सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है? जुपिटर के पास. टोटल कितने मून्स है? 67. कितने मून्स है? 67 मून्स है. तो जुपिटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है और इस पे सबसे ज्यादा मून्स है 67 मून्स, और इसका जो वेट है अर्थ के वेट से 318 गुना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ज्यादा है, अर्थ से काफी ज्यादा है इसका वेट. नाउ कम टू द सिक्स्थ प्लेनेट जिसका नाम है सैटर्न एंड इसे हिंदी में हम कहते हैं शनि.
छठे नंबर का प्लेनेट क्या है? सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। अब ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेनेट विथ शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट। ये इतना सुंदर प्लेनेट है एंड इसके चारों एक रिंग्स है, जो रिंग्स से घिरा हुआ है ये प्लेनेट। और ये रिंग्स किससे बना होता है? एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स, आइस, इन सबसे ये रिंग बना होता है। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स, डस्ट, इनसे बना होता है। और इसके पास कितने मून्स है? 62 मून्स। सैटर्न में कितने मून्स है? 62। नाउ कम टू द सेवेंथ प्लैनेट यूरेनस, जिसका नेम है अरुण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज 27 मून। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है और इस पर 27 मून्स है। कितने मून्स है? 27। तो सबसे ठंडा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। इट हैज मिथेन गैस इन द एटमोस्फेयर, सो इट लुक्स ब्लू ग्रीन इन कलर। तो जिस जो इसका एटमोस्फेयर है उसमें कौन सी गैस है? मिथेन गैस है, जिसके कारण ये कौन से कलर का हमें दिखता है? ब्लू या ग्रीन कलर का। कौन सी गैस के कारण इसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया है? मिथेन गैस। कौन सी गैस? मिथेन। और यहाँ पे कितने मून है टोटल? 27 मून्स हैं। कितने मून्स हैं यूरेनस पे? 27। तो ये जो मून्स है आपको पता होने चाहिए कि लाइक अर्थ पे एक मून है, मार्स पे 2 मून है, जुपिटर पे आपके 67 मून्स हैं, सैटर्न में 62, यूरेनस में 27। एंड द नाउ द लास्ट प्लेनेट इज नेपट्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण। इट इज द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये सबसे दूर है सन से, ये वाला प्लेनेट सबसे दूर है सन से। इट हैज कोल्ड विंड्स दैट ब्लो एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। ये बहुत, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है जो कि काफी तेज स्पीड में होती है, ग्रेटर स्पीड में, एक फ्लाइंग प्लेन से भी जितनी ज्यादा तेज स्पीड में हवाएं यहाँ पे चलती है। इट हैज 13 मून्स। कितने मून्स है इसके पास? 13 मून्स है। कौन से के पास? नेपट्यून के पास। नाउ नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे, आपका आ जाता है फैक्ट फाइल। अर्लियर अवर सोलर सिस्टम हैड 9 प्लैनेट्स। पहले हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स थे? 9। कितने थे? 9 प्लैनेट्स। 2006 में प्लूटो, जो कि 9th प्लैनेट था सोलर सिस्टम में, वॉज डिक्लेयर एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट, जिसे हमने ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया एंड नाउ अब हमारे पास कितने प्लैनेट है टोटल? 8। कितने प्लैनेट्स है अब? 8। कई बार वन वर्ड में ये भी आ जाता है ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है हमारा, तो आपको नाम याद होना चाहिए, प्लूटो। सो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगी अवर प्लैनेट अर्थ। सो अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उससे पहले आप क्या करेंगे मेरे चैनल को? सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।